हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमारा चैप्टर फर्स्ट हो चुका था जिसका नाम था मेहनत की बेला। आज हम चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू पढ़ेंगे जिसमें दिए हैं शब्दार्थ। इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं छः, जिसमें फर्स्ट है अंधकार, अंधकार यानी अंधेरा। फिर है निद्रा, द के नीचे पदेन लगा है, इसका मतलब है र की आवाज़ आएगी। नी, निदा, फिर र जोड़ दो तो निद्रा, निद्रा यानी नींद। बेला यानी समय। उसके बाद प्यारे, प्यारे यानी प्रिय। घड़ियाँ, घड़ियाँ यानी क्षण या समय। झेला, झेला यानी सहन किया। वापस से देखिए चैप्टर फर्स्ट के जो शब्दार्थ हैं, आपको आप जब ये याद कर लोगे तो आपको चैप्टर फर्स्ट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है अंधकार यानी अंधेरा, ये तो सबको पता है। निद्रा यानी नींद। बेला यानी जैसे मेहनत की बेला यानी मेहनत करने का समय, तो इसका मतलब है समय। फिर है प्यारे यानी प्रिय। अब प्रिय यानी जैसे फेवरेट, अपना कोई फेवरेट होता है ना, वो प्यारे प्रिय। फिर घड़िया, घड़िया यानी क्षण या समय, टाइम पीरियड। उसके बाद झेला यानी सहन किया, ठीक है। उसके बाद दिया है यहाँ पे ओरल वर्क, जिसको आपको सिर्फ उच्चारण करना है, बोलना है, स्पीक करना है। फर्स्ट दिया है निम्नलिखित शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। सही उच्चारण यानी शुद्ध रूप से बोलना है। तो फर्स्ट दिया है किरणें, किरणें बिंदु है, मतलब बहुत सारी किरणें हैं, बहुवचन है किरणें, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड दिया है अंधकार, अंधकार यानी अंधेरा, पता है। फिर है गलियां, गलियां बहुवचन है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि इसके पीछे चंद्र बिंदु है और छोटी ये बन गई है, इसका मतलब इसका ये एक वचन है गली, तो इसका बहुवचन है गलियां। फिर है चिड़ियाएँ, अब यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसका मतलब ये बहुवचन है। अगर चंद्र बिंदु नहीं होता तो इसका मतलब एक वचन है, एक चिड़िया होती, लेकिन चंद्र बिंदु है यानी कि बहुत सारी चिड़िया है। यहाँ पर चंद्र बिंदु है मतलब बहुत सारी गलियाँ हैं। फिर है घड़िया, घड़िया भी बहुवचन शब्द है, बहुत सारी घड़ियाँ हैं। फिर निद्रा, निद्रा यानी नींद। फिर है मेहनत और फिर है दुख, इनका सिर्फ आपको उच्चारण करना है, शुद्ध रूप से बोलना है, ठीक है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन, कलियां कब खिल जाती हैं? तो सूरज उगने पर या सुबह हो जाने पर कलियां खिल जाती हैं। सेकेंड है ख, अंधकार भाग जाने पर क्या होता है? तो अंधकार भाग जाने पर सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, गलियों में चहल पहल शुरू हो जाती है, चिड़ियाएं भी अपना दाना लेने और मीठा गाना गाते हुए उड़ जाती है। फिर ग है लास्ट क्वेश्चन, चिड़ियाँ घोंसले छोड़कर कब उड़ती हैं? जब सुबह हो जाती है, जब सूरज उगता है, जब सूरज की किरणें आती हैं, तो चिड़ियाँ अपने घोंसले छोड़कर उड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे हम सूरज उगने पर अपने काम, घर छोड़ के काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वैसे ही पक्षी भी जब सुबह होती हैं तो अपना घर यानी पेड़, घोंसला छोड़कर दाना लेने या किसी भी काम से कुछ भी करने निकल जाते हैं घर छोड़कर, ठीक है। तो आज का आपका वर्क है शब्दार्थ लर्न करने हैं और लिखने हैं होमवर्क में, और इनका केवल उच्चारण करना है और इनको भी लर्न करना है, ठीक है। और आपको नोटबुक में कैसे करना है वो देखिए, यह आपका नोटबुक का वर्क होगा। सबसे पहले आपको पार्ट एक लिखना होगा, रेड लाइन के ऊपर पार्ट एक सेंटर में अच्छे से थोड़े बड़े अक्षर में। उसके बाद लिखना होगा पार्ट का नाम मेहनत की बेला। फिर आपको डेट डालनी होगी, आप होमवर्क कर रहे हो तो HW लिखना है और डेट डालनी है। उसके बाद शब्दार्थ बड़े अक्षरों में, हेडिंग पूरा यहाँ से यहाँ तक दो लाइनों में। फिर नंबर सीध में लगा, एकदम सीधे लगाने हैं, सर्कल नहीं बनाना है पास में। और 1 से 6 तक शब्द उतार कर उनके सामने उनके अर्थ, लेकिन ध्यान रहे एकदम सीधे होने चाहिए, ठीक है। और फिर इनको, छयों को लर्न करके लर्न पूरा पाठ वापस से समझना है। बहुत कम वर्क है आपका, अच्छे से करना है, ठीक है। क्या क्या हो गया देखिए, सबसे पहले पार्ट एक मेहनत की बेला, और फिर इसके 6 शब्दार्थ बहुत ही कम है और बहुत ही सरल है, जो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और वापस से आपको लर्न करने। क्लियर, थैंक यू।